हेलो गाइस, सो ये है पाइल टू जिन लोगों ने चूज़ किया था और जिन्होंने अभी अभी मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया है और कुछ महीना या 2 महीना हुआ है और वो जानना चाहते थे कि क्या कुछ चेंजेस हैं, तो मैं बताऊंगी आपको। ब्लॉसम एंड अवंडेंस, ठीक है, ये कार्ड है आपका। और चलिए शुरू करते हैं, डेक देखते हैं। जजमेंट, वाओ, ईश्वर सुन रहे हैं आपकी, एंजल्स आपकी सुन रहे हैं, ठीक है। पहला ही कार्ड ऐसा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशनेट हैं, एक्शन लेने का सोच रहे हैं, आपकी आने का सोच रहे हैं आपकी लाइफ में वापस। इनका एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी इन एंड आउट होते होंगे ये, ठीक है। आए फिर गए। क्यों होता है इनके साथ ऐसा, वो भी मैं बता दूँ डेविल कार्ड के साथ में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपसे क्योंकि जुड़े हुए हैं, ये आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। इनकी आदत ऐसी है कि ये चले जाते हैं और फिर वापस से फिर से आपको याद करते हैं और फिर चले आते हैं, ये इनके साथ होता है, ठीक है। टेम्परेंस, आपके साथ बहुत ही सुकून महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं आप इनको हील कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि इनके लाइफ में बहुत सारे लफड़े वफड़े चल रहे हैं भाई। एस ऑफ कप्स, इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, ठीक है, तो इमोशनल हो रहे हैं। फॉर वॉन्ट्स, यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम्स भी दिख रहे हैं, सोलमेट्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। शादी का कार्ड है, शादी से मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो जिनके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो वो किसी शादी में हैं, एक ऐसी शादी में जिसमें उन्हें उनकी बन नहीं रही, ठीक है, अपने पार्टनर से डिवोर्स चल रहा हो सकता है या डिवोर्स हो गया हो और उसी पेन में हो, ठीक है, इस वजह से आपके पास जल्दी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वो होता है ना कि एक बार शादी बिगड़ जाए तो वही चीज़ अपने दिमाग में हो जाती है कि शादियाँ ऐसी होती हैं, ठीक है। एक तो ये मुझे रीज़न दिख रहा है, और जो मैरिड नहीं है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि उन्हें कमिटमेंट इशू है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और क्या चाहिए आपको। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, लव है, बहुत ज़्यादा लव है लेकिन होल्ड करके बैठे हैं। यहाँ पे ड्रीमी, बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते कुछ नहीं है। ये कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से मतलब ये नहीं है कि काफ़ी सारे पार्टनर या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर कैरियर भी का भी एक इशू लग रहा है इनको, ये देखिए मैंने कहा ना कैरियर का इशू लग रहा है, और ये टेन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। और फैमिली इशूज़, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी सारे लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, इनको कई तरीके की बातें करते हैं, ये कनेक्शन चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, तो उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ये सुन लेते हैं, थोड़े इस तरह की आदत के हैं, दूसरों की सुन लेते हैं। हो सकता है इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हों और ये फ्रेंड्स की काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। इनको ये भी लगता है कि मैं फैसला सोच समझ कर करूँ, इस तरीके से नहीं करूँ, तो ये बहुत से लोगों से बात भी करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करते हैं, फैमिली को भी लेकर चलने वाले हैं, फाइनेंसिस को भी लेकर चलने वाले हैं, फाइनेंस के बारे में भी सोचते हैं, कैरियर के बारे में भी, फैमिली के बारे में भी, फ्रेंड्स के भी बारे में भी, और इतने सारे सब लोगों के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, दिमाग का दही हो जाएगा, तो वही होता है इनके साथ, और इसीलिए ये वाली एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ़ लव बहुत कम है इनका, मैं देख पा रही हूँ जो सेल्फ़ लव की जो एनर्जी है वो कम है, खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा कमतर आँक लेते हैं, और वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते, ठीक है, कमतर आँक लेते हैं, मतलब इन्हें ये लगने लगता है अरे मैंने लाइफ में अभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना है, और ये अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रखते हैं। जो मैरिड जिन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उनके पार्टनर जो मैरिड हैं, तो उनका मैं बता दूँ कि उनका जो भी चल रहा है, जिस पार्टनर से वो कनेक्टेड है, वो उनका कार्मिक है फॉर श्योर, और सीधी सी बात है जो कार्मिक होते हैं वो इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ते हैं, है ना, तो उस बंधन की वजह से देख रहे हैं आप, ये देखिए डेविल बैठा हुआ है और ये पर्सन है, पार्टनर है, और ये जंजीर से ऐसे बंधे हुए हैं, ठीक है, तो एक तरीके का ये बंधन है जो उनको पसंद नहीं है लेकिन है, और उससे बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि ये पहले खुद को हील करें। तो कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डाइवोर्स चल रहा है, ठीक है, लेकिन इन्हें अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट ये जो भी इशू है ये हो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, और जजमेंट का कार्ड बताता है कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो ईश्वर आपकी सुन रहा है, और कहीं ना कहीं आपको इनकी लाइफ में वो लाए भी इसीलिए हैं
ईश्वर आपको लाया भी इनकी लाइफ में इसीलिए है क्योंकि इन्हें एक हील होने की ज़रूरत थी और आपसे बेहतर हीलर इन्हें कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मैं ये क्लियर कर दूँ, बहुत ज़्यादा प्यार है और आपको ये इस तरीके से देखते हैं कि यू आर द वन। ठीक है, आपसे ज़्यादा और कोई इनको ना अच्छा लगता है, ना इनको शांति महसूस होती है किसी के साथ, क्योंकि इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा झंझट में है, परेशानियों में, कार्मिक से घिरे हुए हैं। ये देखिए इतने सारे लोग और ये डेविल का कार्ड आया, यानी कि ये जो भी जिनके भी कनेक्शन में है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके कार्मिक्स हैं। और सोचिए फिर इनका हाल क्या होता होगा, और वही ये जो कार्ड है दिखा रहा है, लोगों की बातें सुनते हैं, अपने मन की नहीं देख पा रहे, अपने मन की नहीं कर पा रहे, मन आपका इनका आपसे जुड़ा हुआ है लेकिन आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे, इमोशंस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, लेकिन आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहा है। ठीक है, आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि डिवाइन टाइमिंग का ही वेट है। जो लोग मैरिड हैं और जिनका जो सिचुएशन है जो ऐसी हो गई है कि डाइवोर्स तक आ गई है, उनके लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको भी जजमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको जजमेंट मिलेगा क्योंकि आपके जो पाइल है उसमें ये वाला कार्ड आया है। राइट, तो ये आपके सपोर्ट में, ये जो भी रीडिंग है ये आपके लिए है, आपके फेवर में है। तो मैं ये बता दूँ कि अगर आपका कोई ऐसा चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, कुछ चल रहा है जो आप नहीं चाहते हो, तो फैसला मैं उन एक्चुअली इस तरीके से कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिवोर्स चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, तो आप जो भी चाहते हो ना वो होगा। ठीक है, जजमेंट का जो कार्ड है ना वो ये बताता है, मैं सीधे शब्दों में कह दूँ, जजमेंट का कार्ड बताता है कि जो भी आपने प्रार्थनाएं करी, जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया, जो भी आपने मन्नतें मांगी, वो सारी मन्नतें सुनी जा रही हैं। अब आप, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, वो अलग होना चाहते हो, ठीक है, और मैं बोलूं कि नहीं आपकी तो शादी बन जाएगी, अलग नहीं होगे, तो वो गलत है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट का कार्ड जो मुझे बता रहा है, जो मुझे क्या, सभी जानते हैं जजमेंट का कार्ड क्या है, तो जजमेंट का कार्ड बताता है कि जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी विश है ना वो पूरी होगी। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये जो कार्ड है बताता है कि ये जो चक्र है ये चलेगा और ये आपके फेवर में चलेगा। ठीक है, गोल 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 घूमता हुआ ये वक्त की तरह ये जो चल रहा है व्हील, तो ये जब चलना शुरू होगा ना तो ये आपकी दिशा में मुड़ेगा, यानी कि आपके फेवर में जो भी चीज़ें हैं वो होती चली जाएंगी। ये देखिए एंजल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ये सारे लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सभी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी आपका, जो भी आपकी इच्छा है, जो कि जो भी आपकी विश है ना वो पूरी होगी। और यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड है बैलेंस का है, टेम्परेंस का है, और टेम्परेंस का कार्ड बताता है बैलेंस को, हीलिंग को। तो आप कहीं ना कहीं हील होते चले जाओगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि देखिए एंजल के यहाँ माथे पर, फोरहेड पर देखिए ये एक येलो कलर का एक ब्राइटनिंग सा सन के जैसा ये सिंबल आपको दिखेगा, और ये बताता है कि आपका जो इंट्यूशन है वो बढ़ता चला जाएगा इस दौरान। जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपका इंट्यूशन और भी ज़्यादा ब्राइट होता चला जाएगा, और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। बहुत सारे फैसले तो आप अपनी इंट्यूशन से ही कर लोगे, ठीक है, और एंजल्स तो आपके साथ हैं ही हैं। तो देखिए यहाँ पर दो कप उन्होंने लिए हुए हैं और वो इस कप से, इस कप में देखिए पानी डाल रही है, ठीक है, और इधर से भी उधर जा रहा है, और नीचे भी इनके पैर जो हैं पानी में पड़े हुए हैं। तो जो वाटर होता है ना वो इमोशंस को दिखाता है, तो यानी ये इक्वल गिव एंड टेक होगा, अब होगा। ठीक है, अभी तक अगर नहीं हुआ था ना तो अब होगा, आपकी जो भी विशेज हैं वो सारी पूरी होंगी। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है, और ये पहला कार्ड है। पहला कार्ड अगर इस तरीके का आ जाए ना तो फिर कुछ कहने लायक कोई और चीज़ रहती ही नहीं है। ठीक है, जो भी आपके फैमिली इशूज़ हैं ना वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली उनको नहीं लेने दे रही, वो एक ऐसे पार्टनर से अलग होना चाहते हैं जो उनको वो खुशियां नहीं दे रहा जिसके वो हकदार हैं। तो जो भी इश्यूज हैं ना वो सारे सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगी ना आप लोगों को टैरट, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आता है तो क्या है, जजमेंट आता है तो क्या है। ठीक है, ये कुछ कार्ड्स होते हैं जैसे द जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन, ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स माने जाते हैं टैरो डेक में।
तो उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी, कमिटमेंट के लिए परेशान थे, तो उनकी शादी हो जाएगी, कमिटमेंट उन्हें मिलेगा, ठीक है। शादी ना हुई तो प्रपोज़ल तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। और जो शादियाँ तोड़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ एक ऐसे पार्टनर के साथ मैं हूँ जिसके साथ मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, जो मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ़ देता है, दर्द देता है, परेशानी देता है, तो अगर आप चाहते हो कि उनसे कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाए, तो आपको ख़त्म भी आपका हो जाएगा। बस आप अपनी हीलिंग करते रहिए। मैं वही आपसे फिर से बोलूँगी, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो ना, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो करते रहो, बीच में नहीं रोकना, ठीक है। अगर मैं टाइम आप लोगों को बताऊँ तो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर की तरफ मुझे लग रहा है, अक्टूबर नवंबर की तरफ में अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या आपने किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, या उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, तो वो फीलिंग्स आपको बताएंगे, ठीक है। किसी पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जो मैरिड नहीं है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो आप अपने पार्टनर के लिए इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है, तो अक्टूबर मुझे दिख रहा है, अक्टूबर से नवंबर के बीच वो खुद आएंगे और आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। यस, ये होगा। सो देखते हैं। ठीक है, देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक जो आपका कार्ड आया है, वो आया है हैंग्ड मैन का, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि वो अभी अटके हुए हैं, लेकिन उनको इस अटकन से बाहर निकालने वाले भी आप ही हैं, और आप एक अच्छे हीलर हैं उनके लिए। वो ये चीज़ को समझ चुके हैं, उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे अच्छा और कोई नहीं है। मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है आपका जो पर्सन है जो मैरिड नहीं है उनके बारे में बात कर रही हूँ, या जो मैरिड है उनके लिए भी मैं कहूँगी कि उनके जो पेरेंट्स, उनकी जो फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ उनका जो एक हर वक्त लगा रहता है कि मुझे पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। हो सकता है जब भी आप उनसे कॉल पर बात करते हो और वो आपसे कह देते हो कि भाई ऐसा है मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करूँगा, ठीक है। और या अगर आपने कभी कॉल किया तो कहते अरे ऐसा है भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, तो मैं बात नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। इस तरीके के इश्यूज होते होंगे। जब भी आपने कमिटमेंट को लेकर कोई बात की, जो लोग खुले ही नहीं हैं, कन्फेस ही नहीं किया है, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि कन्फेस किया ही नहीं है, उनकी बात अलग है, लेकिन जिन लोगों ने कन्फेस किया है उनका क्या होता होगा कि जब आप उनसे नॉर्मली जैसे बात कर रहे हैं तो बात ठीक है, चल रही है बातचीत, और जैसे ही आपने कमिटमेंट को लेकर कोई बात करी, वैसे ही ये पर्सन भाग गया, ठीक है। और ये यहाँ पर मुझे ये वाला जो कार्ड है ना, ये इन एंड आउट का कार्ड होता है, मैं आपको ठीक से दिखा दूँ, ये जो कार्ड है ना, ये इन एंड आउट का कार्ड होता है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होता है, अगर अगर आपको लेकर हो तो, अगर अपने काम को लेकर हो तो, ठीक है, ये पैशन को दिखाता है। देखिए किस तरीके से ये घोड़ा है भाग रहा है, तो अगर आपकी आधिन को आती है ना, तो ये बस निकल के, ये जो कार्ड है ना, ये भी पैशन को दिखाता है, ठीक है। ये फिजिकल अट्रैक्शन को भी बहुत ज़्यादा दिखाता है। अगर लव रीडिंग में ये डेविल का कार्ड आता है ना, तो ये बहुत अच्छा है, लव रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये कार्ड इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लव को लेकर देखें, तो अगर इनको देखें कि इनके अंदर फीलिंग्स कैसी हैं आपके लिए, तो मैं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और जब इन्हें आपकी याद आती है ना, तो इन्हें ये लगता है कि किसी भी तरीके से मैं इसके पास तुरंत के तुरंत पहुँच जाऊँ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में आती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इनकी सर्कमस्टांसेस इस तरीके की हैं कि ये उस तरीके से एक्शन नहीं ले पाते, होल्ड करके रखते हैं फीलिंग्स। ये देखिए कार्ड दिखा रहा है कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, पास से देखिए, ठीक है। ये पर्सन एक किस तरीके से ऐसे फूल पकड़ा हुआ है, प्रपोज करना चाहता है, लेकिन फिर वही चीज़ें हैं कि जो आसपास के जो लोग हैं, जो सारे लोग हों, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनको तंग करके, परेशान करके रखा है। ये देखिए ये जो पर्सन है कैसे बैठा हुआ है, वेरियर सब कुछ डाल दिया है, हथियार डाल दिए हैं, और इसका ये घोड़ा देखिए इसको किस तरीके से हाथ रखे कि प्लीज़ डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका पर्सन स्कॉर्पियो हो, ठीक है, ये कार्ड आया है, हो सकता है। एंड यहाँ हैंगमैन का जो कार्ड आया है, ये जो कार्ड आया है, ये बताता है कि
वो अभी हैंग्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आएंगे नहीं, आपके पास आने का पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं, लेकिन जो उनकी सर्कमस्टांसेस हैं वो उनको कंट्रोल करके रखी हुई है, ठीक है। सो डोंट वरी एंड प्लीज़ बी विद हिम और हर, डोंट बी लाइक के अरे ये तो कोई एक्शन ही नहीं लेता, हटाओ छोड़ दो मुझे नहीं करनी बात, तो ये चीज़ नहीं रखिएगा, ठीक है। उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, शोर हो रहा है पीछे, सो प्लीज़ डोंट वरी, वो सारे लोग घर पर है ना, एंजल ऑफ लव, आपको एंजल ऑफ लव समझते हैं वो, ठीक है। मैंने कहा ना ये कार्ड देखिए हीलर का कार्ड है, और वही मैंने कहा लगाव है आपसे, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं उनकी, ठीक है। सो प्लीज़ उनसे गुस्सा मत होइएगा एनवी, ठीक है। ये कार्ड बता, मैं अभी सारे ही मतलब आपको समझाऊँगी। स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये कार्ड क्यों आए हैं इनका मैं बता देती हूँ आपको रीज़न। देखिए एप्रिसिएशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो, बहुत बहुत अच्छे लगते हो आप उनको। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वही मैंने जब मैं शुरू में पढ़ रही थी मैंने कहा था बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। वीडियो वापस करना और देखना, मैंने बोला था कि काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं लोग यहाँ पर, तो लोग जलते हैं आपके कनेक्शन से। कुछ तो यहाँ पर है जो वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलें, आप दोनों एक हों, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप इनसे नहीं मिलो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिससे आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि वो उनसे जलते हैं और वो नहीं चाहते हैं उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ उनकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, आपके जो पार्टनर हैं तो आपको तो वो एंजल ऑफ लव समझते हैं, यानी कि ढेर सारा प्यार, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो उनके उनको एनर्जी जो भेजते हो ना वो उनको फील होती है। आप जो हीलिंग करते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो ना, वो सारी एनर्जी ईश्वर के द्वारा, जो एंजल्स हैं उनके द्वारा उनके पास पहुंचती है, उनको वो सारी चीज़ें फ़ील होती हैं, तो आपको तो एंजल ऑफ लव समझते हैं। लेकिन जो लोग बीच में पड़े हुए हैं ना, उनकी वजह से इतनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो लोग ताकि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो जाए, और इस सर्कल से आपको ही बाहर निकलना है, ठीक है। आपको ही किसी तरीके से बाहर निकालना है इनको, ये खुद नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये उस कंडीशन में ही नहीं है कि निकल पाए। इनके इनका जो एनर्जी है वो बहुत लो है, तो आप नहीं करना है जो करना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेंथ है, मैंने कहा था ना कि मजबूती की ज़रूरत है, और उनके अंदर मजबूती नहीं है, मजबूत आप ही हैं, ठीक है। सो ये चल रहा है उनकी लाइफ में, आपको ही मजबूती दिखानी है, आपको ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इनकी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, लेकिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उन चीज़ों का असर बैठ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, प्यार है, ठीक है, और आपके लव को महसूस कर पा रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा इनका फैमिली का इशू है, जो मैरिड है उनका अपनी मैरिड लाइफ को लेकर इश्यूज हैं, और कुछ का तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ खुद की थॉट्स का ही इशू है। दो कार्ड्स आए मैं दोनों ही देख ले, सेंसिटिविटी एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि चिल्ड्रन का इशू हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं ये, लेकिन मैं ये कार्ड, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन वही कहा मैंने कि ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए लग रहा है, और इसीलिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। जब आपको लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, और आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए। पता नहीं, मैं जब रीडिंग कर रही थी मैंने बोला भी कि आपको कनेक्शन नहीं छोड़ना है, मैंने यूं ही बोला, मुझे मन में आया तो मैंने बोला, और देखिए कार्ड्स भी वैसे ही आ गए हैं। तो ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ पर फोकस करिए कि किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाए, किस तरीके से इस कनेक्शन को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन चीज़ों का असर हो रहा है, लेकिन अगर इनकी सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा बुरी हैं तो ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। सो अक्टूबर या नवंबर के अराउंड ये वैसे भी आपसे कम्युनिकेशन करेंगे ही करेंगे,
लेकिन वही है कि पॉजिटिव रहना है। साईं बाबा की तरफ से क्या है, हार्मनी, ठीक है। लेट बी अ हार्मनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। आपको खुश रहना है, आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दुखी हैं ही, और जब आप भी अपनी एनर्जी लो कर लोगी तो क्या होगा, फिर तो बेकार होना ही है सब कुछ, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या है, इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। और प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे पास आते हैं, मैम उनकी करंट एनर्जी बता दीजिए, रीड कर दीजिए, और मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई मैंने आपको कहा था मैनिफेस्ट करने के लिए, आपने मैनिफेस्ट किया? नहीं। बड़े आराम से कहते हैं नहीं। सॉरी। तो मुझे लगता है कि ये क्या है, मैं जो इतने बता रही हूँ अच्छे ढंग से, प्यार से बोल रही हूँ, फिर क्यों समझ में नहीं आती चीज़ें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे झूठ बोलते हैं, मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशन किया, यस मैम, और जब मैं उनकी एनर्जी देखती हूँ, कार्ड्स देखती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है, पता चल ही जाएगा, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आपने मैनिफेस्टेशन नहीं किया। फिर हंस देते हैं कि मैम आपको कैसे पता चल गया, लो भाई मुझे भी नहीं पता चलेगा क्या। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, प्लीज़ ध्यान दिया कीजिए। मैं बहुत काफ़ी देर तक बात करती हूँ लोगों से और उनको समझाती हूँ कि भाई मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और फिर जब मैं पूछती हूँ मैनिफेस्टेशन किया, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। और कहते हैं मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, और फिर ये बता दीजिए कि उनके मन में फीलिंग्स हैं या नहीं, अगर हैं तो मैं ट्राई करूँ, अदरवाइज़ तो नहीं करूँगी, ठीक है। तो ऐसे भी आते हैं मेरे पास बहुत से लोग, तो मैं बता रही हूँ आपको बस कि इस तरीके से काम मत कीजिएगा। गोल सेट करा है तो फिर उस पर काम कीजिए। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। यू मेक मी फील अलाइव, ठीक है, वही मैंने कहा कि आप इनको हील करते हो, वही मैंने कहा था, और देखिए कार्ड आ गया है। एंड यू लिसन टू मी वेल, तो जब भी ये आपसे बात करने आते होंगे, जब मैंने कहा ना इन एंड आउट होते हैं, ये इन एंड आउट इसलिए भी होते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इन्हें सुनते हो और कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। एंड यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई, ठीक है, क्राई ऑन, तो वही इन्हें शोल्डर भी चाहिए क्राई ऑन करने के लिए, और फिर चले भी जाना है। यू मेक मी लॉफ कंस्टेंटली, आप इनको हंसाते हो, मैंने वही कहा, ठीक है, इसीलिए आपके पास आते हैं ये। एंड फिर इनको यू नेवर लेट मी फील लोनली, सी सारे कार्ड्स कितने ज़्यादा एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये एक रीज़न है, इसीलिए इनका इन एंड आउट होता रहता है। ये जब अपनी तकलीफ़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनको लगता है कि अब सब ख़त्म हो गया, लाइफ में कुछ नहीं बचा, तभी आपके पास आते हैं। इन्हें लगता है सिर्फ आप ही वो हो जो इनको सुनोगे, तो खुश होने के लिए, अपने अकेलापन अपना दूर करने के लिए आपके पास आते हैं। लेकिन जब आप कमिटमेंट का कह देते होंगे तब ये भाग जाते होंगे, सोचते होंगे अरे यहाँ भी वही, यहाँ से भी भाग चलो। टिकल, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस, ठीक है, तो हो सकता है आपसे काफ़ी हंसी मजाक करते हो, थोड़ा फ्लर्ट भी करते हो, क्योंकि ये भी फ्लर्ट का ही कार्ड है। सो ओके, ये जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी, सी मैंने कहा ना, देखिए मेडिसिन लगते हो आप इनको, इनकी बातें मेडिसिन लगती हैं। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ जेस बिकॉज ऑफ यू, ठीक है ना, तो ये हैं इनके मैसेजेस आपके लिए। एंड ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, आई कांट लिव विदाउट यू, रह नहीं सकते ये आपके बगैर, तो अगर ये जाएंगे भी तो वापस आएंगे, इनका ये चलता रहेगा। तो आपको मैनिफेस्ट इसलिए करना है क्योंकि अब की बार अगर ये आते हैं तो आपके पास ही रह जाएंगे। देख लेते हैं इसमें से कुछ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ओके, तो मैं बता रही हूँ, हो सकता है इनका नाम एन से शुरू होता हो, के से, ये सारे तो पाइल वन में भी आए हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हो पाइल वन, ठीक है, हालांकि है तो वो उनके लिए सिक्स, हो सकता है सिक्स इनका बर्थडे हो, आपका हो, या डेट इस डेट में मिले हों, या फिर जून के मंथ में आपसे मुलाकात हुई हो इनकी, ठीक है। सी एफ एल एक्स के एम, एम नहीं है ये, डब्ल्यू है, एक्स इंटू, ओके, हो सकता है इनका नेम कुणाल हो, कमल हो, ठीक है,
और तो क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक है आप लोग समझ लीजिए। ठीक है तो ये है, कुछ और देख लेते हैं निकाल के। आर हो सकता है, आर से शुरू होता हो, जेड, ठीक है आपका नाम शुरू होता हो, इनका होता हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होगा। सो ठीक है तो ये रीडिंग थी उन लोगों की जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया था, जिन्होंने अभी अभी मैनिफेस्ट करना शुरू किया है। सो करते रहिए मैनिफेस्ट, ठीक है रेजोनेट करिए तो मुझे बताइए, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है सबसे पहले अपना ख्याल रखिएगा, एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।